सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो सुबह हमने जो सिद्धांत का भाग देखा उसका आगे का सिद्धांत जो है उसको हम अभी आगे ले जाएंगे और उसका नाम है दोष धातु मल सिद्धांत। सोहेल प्लीज म्यूट ऑफ योर माइक। सो दोष धातु मल सिद्धांत, इससे पूर्व हमने सिद्धांत कौन कौन से देखे हैं? लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, पंच महाभूत सिद्धांत, उससे पहले हमने देखा त्रिगुण सिद्धांत, फिर त्रिदोष सिद्धांत और अभी पांचवा देख रहे हैं दोष धातु मल सिद्धांत। तो ये दोष धातु मल सिद्धांत, इसमें से तीनों जो है वो नए टर्म्स है। जैसे त्रिदोष हमने देखे कुछ सुबह के लेक्चर में, वात पित्त कफ, ये फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे है। उसके बाद धातु अब हम देखेंगे इन शॉर्ट, और मल। तो ये तीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट किस पद्धति से है उसको जानना ही दोष धातु मल सिद्धांत को समझना है। तो सबसे पहले तो ये वाग्भटाचार्य जी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का ही ये कोटेशन है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। तो दोष धातु मल ये तीन घटक जो है वो मूल है इसके शरीर के। तो इफ एंड वेरी नाइस एनालॉजी हैज गिवन बाय वाग्भटाचार्य, इफ यू सी हियर दिस वन इज अ ट्री, इफ वी कंसीडर दिस एज अ बॉडी ट्री, अगर वृक्ष को हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिया तो अच्छे वृक्ष के लिए वो वृक्ष अच्छी, उसकी ग्रोथ हो, उसका विकास अच्छे से हो, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल यदि समय पे आए और अच्छे से उसका विकास हो होना अगर हम चाहते हैं, तो उसके मूल जो है यानी उसके रूट्स जो है वो बिल्कुल सुदृढ़, सशक्त और निरोगी यानी स्वस्थ अवस्था में होनी चाहिए। तो वो रूट क्या है? तो शरीर रूपी वृक्ष के ये तीन मूल है, दोष धातु और मल। तो ये इस आकृति से ये उदाहरण जो है वो वाग्भटाचार्य स्वयं देते हैं, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। सो बॉडी ट्री के ये थ्री रूट्स है, दोष धातु और मल। ये इनको अब हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए त्रिदोषों को हमने बहुत अच्छे से समझा है, तो एज वी हैव जस्ट सीन बिफोर टुडेज मॉर्निंग लेक्चर, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स विच आर नोन एज पंचमहाभूतास्। पंचमहाभूतात्मकम तत्तु सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे। ये हमने वहां पे कोटेशंस देखे थे कि हर कोई चीज है, हमने पेन का उदाहरण वहां पे लिया था, वह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन पांच मूलभूत द्रव्यों का वह कॉम्बिनेशन है। और इन मूलभूत द्रव्यों का कॉम्बिनेशन होने के वजह से एक सृष्टि का घटक रूप में ही मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर भी पांच महाभूतों से बना हुआ है। अब इस स्लाइड में आप देखोगे दिस फाइव एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द बॉडी इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ दोष धातु मल। तो वो पांच जो घटक है वो शरीर में त्रिदोष यानी थ्री फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कुछ लोग उसका जो है वो ये भी अर्थ लेते हैं कि थ्री ह्यूमर्स, इस पद्धति से वो अर्थ लेते हैं। आगे जो है वो सप्त धातु। सप्त धातु क्या है? तो ये सेवन बॉडी टिश्यू है। ये तीन जो है वो मल है। एनोवेशंस जो है वो मैं ठीक से कर नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ कर्सर यूज करूंगा। त्रिदोष, सप्त धातु और मल, त्रिमल ऐसी संज्ञा या परिभाषा हमारे शास्त्र में किधर भी नहीं है। सो दीज आर दी थ्री बेसिक बॉडी फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देन दीज आर दी सेवन फॉर्म्स ऑफ टिश्यूज, and three are the catabolic waste products or catabolic products, byproducts we can say. So vat pitta kapha, ye saat dhatu jo hai wo rasa rakta maus med asthi majja shukra, aur is table mein aap acche se dekh sakte ho, aur mal kya hai? Purisha mutra sveda. To vat pitta kapha ko thoda bahut humne jana hai kriya sharir vishay mein, iska vistar se adhyayan karna hi pehla paper hai aapka, dosh dhatu mal, इनका डिटेल में आपने अध्ययन करना क्रिया शारीर विषय के पेपर फर्स्ट में, वो पूरा आपको डिटेल में आ जाएगा। अभी देखते हैं दोषों को हमने समझा है उसको
फिर एक बार हम कंसाइज करेंगे दोष धातु मल सिद्धांत समझने के लिए। त्रिदोष थियरी जो है इट इज यूज एवरीवेयर एज वी से। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ अ की। इफ यू गॉट द की ऑफ द ट्रेजर एंड वी यूज दैट की देन द ट्रेजर इज ओपन। सेम लाइकवाइज द त्रिदोष थियरी इज अ की टू ओपन द ट्रेजर ऑफ आयुर्वेदा नॉलेज। सो इट इज एवरीवेयर वी नीड देयर। अगर हमने देखा एक उदाहरण के तौर पे कि अगर दोषों की इम्बैलेंस हो जाए तो उसको व्याधि कहते हैं, दोष का बैलेंस है तो उसको स्वास्थ्यावस्था कहते हैं। तो बायोलॉजिकल हो, कॉन्स्टिट्यूशन यानी शारीरिक प्रकृति हो, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति इत्यादि, शरीर का पोषण न्यूट्रिशन अगर आपको समझना है, मटेरिया मेडिका यानी आयुर्वेद में किन किन वनस्पतियों का कौन से दोषों को ऊपर किस प्रकार से प्रभाव या उसकी एक्शन होती है वो समझने के लिए भी हमें त्रिदोष थ्योरी उपयुक्त होती है। पैथोलॉजी यानी हमें अगर किसी चीज का डायग्नोसिस करना है किसी व्याधि का, तो वो क्रिया समझने के लिए पैथोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से है, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए और फिर उसके थेरापेटिक्स यानी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट उस डिसीज का जो है वो कैसे करना है, इसके लिए हमें त्रिदोष थ्योरी जो है वो अत्यंत उपयुक्त है। हमने वात को भी समझा सुबह के लेक्चर में। इट इज द इनिशिएटर, मोटिव फोर्स, कंट्रोलर, डिवाइडर, सेंसर, मोमेंट्स। तो इन शब्दों के अर्थ शायद आप आज ना ठीक से जान पाओ, लेकिन आगे आपको सभी ये समझ में आएगा। पित्त जो है, एनीवन ऑफ यू हैव यू नो पुट योर माइक ऑफ प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू पुट ऑफ योर माइक प्लीज, इट इज डिस्टर्बिंग। I don't know who is he. I think Prasad. Prasad, your mic is on. Anyway, so Pitta is the production of heat. It is responsible for the energy, digestion, and metabolism also. Kapha. Kapha jo hai, wo strength, resistance, protection, immunity, or growth. Ye uske function hai sharir mein. Ab jayenge ye jo humne chitra dekha tha. कौन सा बॉडी ट्री का, अगर आपको याद है उसको हमने ठीक से जानने की कोशिश की थी। ये जो बॉडी ट्री है उसका त्रिदोष यानी पहला मूल तो हमने देखा, फिर हम दूसरा धातु देखेंगे। तो धातु जो है इसको अगर आप आसानी से समझो, आज की अगर भाषा में आप इसको समझो, अंग्रेजी के साथ इसको देखेंगे, तो ह्यूमन बॉडी टिश्यूज आर डिवाइडेड इंटू 7 कैटेगरीज। तो इसीलिए उसको सप्त यानी 7 नंबर दर्शाता है वो, और धातु यानी जो शरीर का धारण करता है, जिससे शरीर बनता भी है, विकसित होता है या मेंटेन होता है, तो इसके लिए उसको सप्त धातु संज्ञा दी गई है। तो हमारी जो पूरा शरीर है, मनुष्य शरीर, इन 7 धातुओं से बना हुआ है। और वो 7 धातु कौन से है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब इनको हम आज के अगर फिजियोलॉजी की दृष्टि से कंपेयर करें तो रस कैन बी कंपेयर्ड विद प्लाज्मा, रक्त आर द ब्लड सेल्स, मांस इज नथिंग बट द मसल टिश्यू, मेदा आर द एडिपोस टिश्यू और द फैट टिश्यू, अस्थि आर द बोन्स, मज्जा इज बोन मैरो एंड शुक्र आर द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज इन आवर ह्यूमन बॉडी। ओके, सो ये सप्त धातु है, इनसे शरीर बनता है, त्रिदोषों से शरीर में क्रियाएं होती है और जो पचन होता है, शरीर के पोषण के लिए आवश्यक आहार लिया जाता है, वो आहार शरीर की पचन शक्ति द्वारा अगर उसका पचन हो जाए तो उस प्रोसेस में, उस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ कैटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जिसे हम मल कहते हैं आयुर्वेद में, पारिभाषिक संज्ञा मल है उसकी, तो वो तैयार होते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे अन्य डिटेल्स आप जब देखोगे आगे आगे जाके तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज इतना हम समझ लेते हैं कि स्थूल रूप से वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल मल और द्रव मल, ये 2 कैटेगरी उसकी होती है। और स्थूल मल में यानी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट और लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। तो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जिसको पुरीश कहा जाता है, ये फीकल मटेरियल, ये जो संज्ञा दी है, मैनुएशंस ट्राई करता हूँ अगर पॉसिबल है मुझे तो। ओके, तो ये जो एनीवे देखते हैं, तो ये जो फीकल मटेरियल है
इसको पुरीश मल यानी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट जो एनल रीजन से बाहर आता है उसको पुरीश मल कहा गया है आयुर्वेद में। ये सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है। और लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट कौन से है, तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी से आता है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट उसको मूत्र कहा गया है, यूरिन। और तीसरा जो है वो है स्वेद, ये भी लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है। तो स्वेद क्या है, स्वेद है अपने बाहरी शरीर का जो भाग होता है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो द नियरेस्ट रूट इज स्किन एंड दैट्स व्हाई द लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द नियरेस्ट रूट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज स्वेद। ये तीसरा मल है। तो पुरीश, मूत्र और स्वेद, ये तीन मल के प्रकार हुए। ठीक है, तो आगे जाते हैं इसको। Yeah, that will be the good thing, no? Which innovations you have used just now? I think spotlight, is it? No. Okay, this one. So, let's go for the next. तो ये हो गए पुरीश, मूत्र और स्वेद, ये तीन वेस्ट प्रोडक्ट हमने देखे। तो इसी के साथ जो हमारा दोष धातु मल सिद्धांत है इसको हमने अच्छे से जाना कि दोष धातु मल ये जो है इनका शरीर में बैलेंस यानी समतोल बहुत ही आवश्यक है और वही शरीर की स्वास्थ्यावस्था जो है वह मेंटेन करता है। और इनमें से त्रिदोष हो, धातु हो, सप्त धातु हो या मल हो, इसमें से किसी की भी वृद्धि यानी बढ़ना और कम हो जाना ये अगर हो जाता है तो इसको व्याधि या व्याधि अवस्था ऐसा आयुर्वेद में उसको सिद्धांत के रूप में माना जाता है। और कोई अगर इसके ऊपर प्रश्न है तो आप पूछिए, नहीं तो ये जो है हम डिस्कनेक्ट करेंगे और इसी को हम इसी लिंक में आप दोबारा जुड़िए।